Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. I welcome you all guys in today's session for prelims practice, right? So today I brought reading comprehension session for prelims targeting all the upcoming prelims exam like IBPS PO clerk, SBI PO clerk and NIACL AO. तो जितने भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स है गाइज, तो उनके लिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. एवरी डे 8 PM पे आप लोगों का सेशन होगा प्रिलिम्स के लिए, एंड एवरी डे मॉर्निंग में आप लोगों का 11 AM पे मेंस के लिए सेशन होगा, जो कि अभी आप लोगों का SBI क्लर्क मेंस को टारगेट कर रही हूँ. तो डेली मॉर्निंग में 11 AM एंड इवनिंग 8 PM पे सभी लोग जुड़ना ना भूलें, जहाँ पे मैं प्रिलिम्स और मेंस को टारगेट करके सेशन ला रही हूँ. ठीक है, तो चलिए अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे. तो आज मैं आप लोगों को कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कराऊंगी वो द हिंदू एडिटोरियल से है. ठीक है, जैसे कि एक्सपेक्टेड है आपके प्रिलिम्स एग्जाम में, और ये जो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है प्रिलिम्स एग्जाम को लेकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है, मेडियोकर लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. हम लोग बिल्कुल ये जो सीरीज है, हम लोग इस सीरीज में प्रिलिम्स सेशन जो मैं टारगेट कर रही हूँ, इस सीरीज में आप लोगों को जितने सेशन कराऊंगी मैं आप लोगों को, वो इंडिविजुअल टॉपिक्स पे होंगे फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज बेसिक टू एडवांस लेवल. क्लियर? तो अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे गाइस. बिल्कुल आज फर्स्ट सेशन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जैसे मैंने 2-3 सेशन पहले भी लिए हुए, आप लोगों को ओवरऑल स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है कि किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करते हैं. ठीक है, पहले क्वेश्चंस पढ़ें, फिर आप पैराग्राफ पे आइए, या पहले पैराग्राफ पढ़िए फिर क्वेश्चंस पे आइए. तो ये दोनों टाइप की स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बता रखी है. नाउ यू ऑल नीड टू अप्लाई दैट स्ट्रेटजी टुडे इन द सेशन. ठीक है, वही स्ट्रेटजी आप लोग को अप्लाई करके आज सेशन में क्वेश्चन के आंसर्स को करने. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने सेशन को. ठीक है, रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. एंड बिफोर मूविंग ऑन फर्दर गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने बच्चे सेशन में जुड़े हैं, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज, एवरीवन फास्ट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. लाइक एंड शेयर द सेशन. चलिए, तो जैसे कि आप लोगों ने रुद्रा प्रो बैच ज्वाइन कर लिया होगा, जो कि आप लोगों का 27th of September से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एंड आई होप कि जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को. ये आपका 30 डेज का पेड कोर्स है, जिसमें मैम आप लोगों का DI के अपर लोअर टू अपर लेवल के सारे पैटर्न्स को कवर कर रही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. इसके लिए आप लोगों को अगर रुद्रा कोड अप्लाई करोगे तो उस पर फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जिसका अभी प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 299. क्लियर गाइस? तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. आज हम लोग 2 RC प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे द हिंदू एडिटोरियल से है. ठीक है, ये जो फर्स्ट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये इलेक्शन पे बेस्ड है गाइस. डू रीड इट आउट. इलेक्शंस, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन इलेक्शंस. हैव अ लुक गाइस फास्ट, एंड देन पुट डन इन द कमेंट सेक्शन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, सो दैट इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू ऑल. सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चंस पे आओगे तो कोरिलेट करने में इजी होगा. प्रताप, उमेश, वेरी गुड इवनिंग. सभी बच्चों को बहुत गुड इवनिंग, जितने बच्चे सेशन में जुड़ गए हैं. ठीक है, एवरीवन डू टेक अ स्क्रीनशॉट, सो दैट यू कैन बेटर कोरिलेट विद द क्वेश्चंस व्हेन वी मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन पार्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं इसको. क्या क्या रहा है, देखो, कह रहा है इलेक्शंस वर इन द एयर ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, तो वर्ल्ड की जो यंगेस्ट, मतलब नई कंट्री की बात कर रहा है, नई एक जगह की बात कर रहा है, यंगेस्ट डेमोक्रेसी. व्हेन आई अराइव्ड इन थिम्पू, तो ये किसी एक पर्सन की बात कर रहा है. कोई एक पर्सन कह रहा है, कोई एक पर्सन आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि हर जगह इलेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा था. ऐसा कहा जा रहा है इलेक्शंस वर इन द एयर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह इलेक्शन का ही माहौल दिख रहा था. इलेक्शंस वर इन द एयर मींस कि हर जगह इलेक्शन का माहौल दिख रहा था वहां पे. यंगेस्ट डेमोक्रेसी व्हेन आई अराइव्ड इन थिम्पू. थिम्पू इज अ प्लेस. ठीक है, आगे कह रहा है दिस वाज फॉर अ बाय इलेक्शन इन द कैपिटल सिटी, जो कि कैपिटल सिटी में इलेक्शन के टाइम पे देखा गया. दैट डोमिनेटेड द कन्वर्सेशन एट डिनर्स, जहां पे हम देख रहे थे कि डिनर टाइम में इलेक्शन को लेके कन्वर्सेशंस होती थी आपस में लोगों की. इवन इन थिम्पूज मोस्ट फन
नाइट एक्सपो मोजो पार्क, इवन आपका जो थिम्पू का जो एक फन नाइट स्पॉट पार्क है वहाँ पे भी इलेक्शंस खुले गए। इतना ज़्यादा इलेक्शन की गर्माहट थी कि हर जगह पे इलेक्शन का ही जोर शोर से, मतलब पूरे रंग में इलेक्शन की बातें चल रही थी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, भूटान हैज टेकन टू डेमोक्रेसी विद ईज एवर सिंस 2008 के समय से भूटान में काफ़ी अच्छा डेमोक्रेसी का लेवल देखा गया है, काफ़ी ईजीनेस के साथ देखा गया है। When the first proper election were held, जबकि 2008 में first election भूटान में held हुआ था, a process India has helped out with, ठीक है, इंडिया ने इस प्रोसेस में भूटान की हेल्प की है 2008 से, सिंस जब से वहाँ पे फेयर एंड फ्रेश इलेक्शंस स्टार्ट हुए हैं। सेंडिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से लोगों को वहाँ पे सेंड किया गया, ट्रैवलिंग टू चेक अरेंजमेंट्स, ताकि वो भूटान में इलेक्शन के टाइम पे अरेंजमेंट्स को चेक कर सकें, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में बता सके लोगों को वहाँ पे, भूटान में लोगों को अवेयरनेस जगा सके ईवीएम को के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर, ईवीएम के टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर्स के बारे में वहां पे भूटान में लोगों को बता सके। तो इंडिया से इलेक्शन कमीशन की तरफ से काफी लोगों को वहां पे भेजा गया। आगे कह रहा है, हाउएवर देयर आर मेनी थिंग्स यूनिकली भूटानीज, ठीक है, बहुत सारी यूनिक चीजें देखने को मिली भूटानीज लोगों के साथ, क्या क्या चीजें, अब आगे आपको कह रहा है मॉन्क्स एंड नंस इन दिस डीपली रिलीजियस बुद्धिस्ट मेजोरिटी आर नॉट अलाउड टू वोट। अब भूटान में देखने को मिला कि मॉन्क्स और नंस को वोटिंग करने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा था। आगे कह रहे हैं, सो एज टू अवॉइड मिक्सिंग रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स, ऑल वोटर्स मस्ट वियर देयर नेशनल ड्रेस ऑन पोलिंग डे, और जितने भी वोटर्स हैं जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करना था, नेशनल ड्रेस पहनना था भूटान का वोटिंग डे पे, पोलिंग डे पे। बट नो वन कैंडिडेट कैंपेनर और वोटर इज अलाउड टू वियर द कैबने सिल्क एंड गैंगटेक। तो ये आपका जो है ये जापान का एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, इट्स अ ड्रेस ऑफ ए जापान, जापान कह रहे हैं, भूटान का स्कार्फ ऑफ ऑनर फॉर मेन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली बेस्टोड ओनली बाय द किंग, किंग के द्वारा जो कि लोगों को बेस्टो किया जाता है, उनको नवाजा जाता है जब कोई उपाधि दी जाती है, तो वहाँ पे कैबने सिल्क और गैंगटेक को वहाँ पे ऑनर के फॉर्म में मैन और वुमेन को प्रेजेंट किया जाता है। ये अलाउड नहीं था वोटिंग के टाइम पे, ठीक है, वोटिंग के टाइम पे नेशनल ड्रेस ही अलाउड था सारे सिटीजन्स को, सारे वोटर्स को। आगे कह रहा है, पैटाग सेरेमोनियल स्वॉर्ड और एनी अदर साइन ऑफ रैंक और रॉयल पैट्रोनेज टू अवॉइड अ मिसयूज ऑफ इन्फ्लुएंस, ताकि उस कंट्री के इनका कोई पर्टिकुलर चीज़ का मिसयूज ना हो सके, इन्फ्लुएंस का मिसयूज लोग इलेक्शन के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे ना कर सके। आगे कह रहे हैं, एंड इन डिफेंस टू द एनवायरमेंट, नो पोस्टर्स कैन बी पुट अप, कोई पोस्टर्स पुट अप करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, any public property including trees and are mostly restricted to a community billboard for all, aur har ek ke liye ye baat thi ki koi bhi kisi public property ya kahin pe bhi koi posters ya campaign wahan pe nahi karega is tarah ki cheeze। aage keh raha hai, maybe a thing or two the world's largest democracy could learn from the youngest, theek hai, to ye aapka bhutan jo abhi haal hi mein jo is tarah ki cheeze aayi hai bhutan mein, to yahan se hi bahut sari cheeze aapko seekhne ko mil rahi hai election se related, clear। aage dekho kya keh raha hai, आगे कह रहा है रॉयल टेक्सटाइल्स। अब रॉयल टेक्सटाइल्स में क्या बात कह रहा है इफ़ यू आर इन थिम्पू, अगर आप थिम्पू में हैं, पुट द टेक्सटाइल म्यूजियम ऑन योर मस्ट डू लिस्ट, अगर आप वहाँ जाते हैं तो टू डू मस्ट लिस्ट में आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो देखो ये ओवरऑल जो पैराग्राफ आपको दिया गया है गाइज, ये पूरा पैराग्राफ आपको एक किसी पर्सन के व्यू पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई एक पर्सन भूटान विजिट करके आया है और भूटान में किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कैसा माहौल होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में उसने केयरफुली ऑब्जर्व किया है और उसने अपने थॉट्स को पेन डाउन किया है इस आर्टिकल में, ठीक है, जो कि द हिंदू एडिटोरियल से है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू आर इन थिम्पू पुट द टेक्सटाइल म्यूजियम, तो आप टेक्सटाइल म्यूजियम को अपनी फर्स्ट टू डू लिस्ट में रखिए अगर आप वहाँ पर इनकेस जाते हैं कभी। आगे कह रहा है, द म्यूजियम रन बाय द रॉयल टेक्सटाइल अकेडमी इज द प्रोजेक्ट ऑफ आशी संगय चौदन वांगचुक, वन ऑफ द क्वीन मदर्स ऑफ भूटान, जो कि क्वीन मदर्स ऑफ भूटान में से एक है। आगे कह रहा है, द फॉर्मर किंग हैड फोर क्वींस ऑल सिस्टर्स, द म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग द ओल्डेस्ट एंड रेयर वोवन फैब्रिक्स, तो फैब्रिक्स के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये टेक्सटाइल म्यूजियम के नाम से भूटान में बहुत मशहूर चीज़ है जो कि आप अगर जाते हो तो मस्ट विजिट है। आगे कह रहा है, वॉर्न इन भूटान एंड यूज इन दीज रिलीजन स्क्रोल्स एंड थांगखास, as you walk in it the tongrel or massive silk work of the zabdrung nyusem sofa
in honor of a sacred meal served to Bhutan's political and spiritual founder in 1637 mein, jo ki unko ek sacred meal प्रिजर्व दिया जाता था लोगों को, दैट ग्रीट्स यू, जो कि किसी मेहमान को ग्रीट करने के लिए उस समय में ये किया जाता था. आगे कह रहा है, द थोंगरेल स्टैंड 34 फीट टॉल, रनिंग 23 फीट अक्रॉस एंड इज सेट अगेंस्ट अ ग्लास विंडो दैट रन्स 3 स्टोरीज हाई. ठीक है, आगे कह रहा है, अनदर ऑन योर मस्ट सी लिस्ट इज द रिलेटिवली न्यू तारा लगशांग एंड पर एग्जाम्पा मोनेस्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ थिम्पू. आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, थिम्पू के इंटीरियर एरियाज में आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी अगर आप वहाँ पे जाओगे. दिस इज भूटान्स ओनली मोनेस्ट्री, ये भूटान की केवल एक मोनेस्ट्री रहती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं. डेडिकेटेड टू 21 ताराज द फीमेल बोधिसात्वा एंड इट इज़ अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ एंशियंट फेमिनिज्म. और एंशियंट फेमिनिज्म का ये क्या है, पावरफुल एक डिस्प्ले है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो. आगे कह रहे हैं, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वीमेन हैव अ स्टेटस मोर इक्वल टू मैन इन भूटान. ठीक है, अब अगर वीमेन स्टेटस आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो वीमेन का स्टेटस भूटान में क्या है, मैन के इक्वल दर्जा दिया गया है. आगे कह रहे हैं, देर इजेंट द ऑब्वियस प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, ऑब्वियस प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है मेल चाइल्ड को, गर्ल्स एंड बॉयज गो टू स्कूल इन इक्वल नंबर्स. ठीक है, दोनों का दर्जा बराबर है, गर्ल्स और बॉयज दोनों इक्वल नंबर्स में स्कूल जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ये बात भूटान में है. आगे देखो क्या कह रहा है, नॉट सो इक्वल, बहुत ज्यादा कोई चीज इक्वल नहीं है. क्या चीज इक्वल नहीं है, तो देखो द हिंदू एडिटोरियल में इस तरह से पैराग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चीजें आती है ना, तो वही कह रहा है नॉट सो इक्वल, उतना ज्यादा इक्वल नहीं. क्या चीज नहीं है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाइल पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स, पॉलीगैमी बहुत सारे पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, पॉलीगैमी का मतलब एक से ज्यादा मैरिज, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी, राइट, प्रैक्टिस इन सम पार्ट्स सो इज पॉलीएंड्री. उसी तरह से पॉलीएंड्री भी बहुत सारे पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, एंड डाइवोर्स, और डाइवोर्स भी बहुत सारे होते हैं वहां पे. सेटलमेंट्स आर इक्वल एंड इवन हैंडेड. ठीक है, ये सेटलमेंट्स बिल्कुल इक्वल नंबर में होते हैं, बहुत सारी जगहों में पॉलीगैमी प्रेफर करते हैं लोग, कुछ जगह में पॉलीएंड्री है, और डाइवोर्स का भी रेशियो बिल्कुल इक्वल है पॉलीगैमी पॉलीएंड्री के, हैंड टू हैंड है, इवन हैंडेड. इवन सो भूटानीज वुमेन लैग बिहाइंड इन वन प्लेस दैट इट काउंट्स. ठीक है, तो ये लैग बिहाइंड कहाँ, किस जगह पे पीछे रहती हैं, पार्लियामेंट में. तो अगर हम पार्लियामेंट, भूटान पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पे वुमेन जो हैं वो लैग बिहाइंड करती हैं एज कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स. इन द लास्ट नेशनल असेंबली इलेक्शंस 3/4 ऑफ द 47 सीट्स हैड ओनली मेल कैंडिडेट्स, 9 हैड फीमेल्स. 9 फीमेल थी जिनमें से 47 सीट्स में ओनली 9 फीमेल्स वर देयर, राइट. एर कह रहा है, एंड 4 वुमेन वर इलेक्टेड एज MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. मीसोगाइनी, अब देखो कह रहा है मीसोगाइनी प्लेज only one part of it, इसका केवल एक part play करता है. Explain the only leader of a party, DCT, Lily Wackchuk, who runs a hotel in downtown Thimphu. ठीक है, तो Thimphu के जो main city में, downtown का मतलब होता है city area, तो Thimphu का जो city main जो area था वहाँ पे एक hotel चलाती थी वो. आगे कह रहा है, women just don't vote for women. ठीक है, वहाँ पे ये होता है कि विमेन विमेन को वोट नहीं करती, एंड द लैक ऑफ विमेन रोल मॉडल्स इन मॉडर्न भूटान बिकम अ विशियस साइकिल. और ये एक विशियस साइकिल है इस तरह का. ठीक है, विशियस मींस बैड, एक बुरा चक्र है, साइकिल है जो कि चलता चला आ रहा है. ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, व्हाइल भूटान्स गवर्नमेंट एंड पीपल टेल यू दे आर डिवोटेड टू प्रिजर्विंग द कंट्री एंड इट्स ब्यूटी, कि कंट्री को प्रिजर्व करने के लिए और ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं, इट इज प्लेन टू सी भूटान इज चेंजिंग एवरी डे इन लिटिल वेज. अलग अलग तरीकों से भूटान थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे बदल रही हैं आने वाले समय के साथ. आगे कह रहे हैं, लेस यंगस्टर एडियर टू द ट्रेडिशनल लैंड, एडियर टू मतलब फॉलो करते हैं, यंगस्टर्स जो वहाँ के हैं तो वो कम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल लैंड. वंस मैंडेटरी नेशनल ड्रेस गो एंड कीरा, मोर एंड मोर सिबलिंग्स नाउ गेट परमिशन टू राइज अबव द ओरिजिनल रेगुलेटेड 2 स्टोरीज. ठीक है, एंड ग्लास एंड ग्रेनाइट इज सीन मोर इन थिम्पू. ग्लास और ग्रेनाइट की बिल्डिंग्स आपको ज़्यादा थिम्पू में दिखेंगी, भूटान की कैपिटल में, वेयर ओनली वेयर वंस ओनली वुड एंड पेंट वर अलाउड, जहाँ पे पहले समय में वुड और पेंट सिर्फ अलाउ होते थे घर में, लेकिन अब आज के समय में आपको ग्लास और ग्रेनाइट भी घरों में देखने को मिलेंगी कंस्ट्रक्शंस में. आगे कह रहे हैं, सम मॉडरेटीज आर वेलकम एंड द अबंडेंस ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मेनी भूटानीज इंक्लूडिंग द वेरी डैशिंग US एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर तिसरिंग टॉपगे ड्राइव हाइब्रिड कार्स. द कंट्री साइड इज स्टिल प्रिस्टाइन एंड नॉट कवर्ड विद द प्लास्टिक वेस्ट अबिक्यूशियस इन इंडिया.
अबिक्यूशियस का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, इन इंडिया, जो कि इंडिया में हर जगह पे मौजूद होता है, इजिली आपको अवेलेबल हो जाता है. इवन एज भूटान एक्सप्लोर्स मोर नॉन वुड यूजेस ऑफ इट्स 70% फॉरेस्ट कवर दैट इज ऑल्सो मैंडेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बात आपकी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी कही गई है, बताई गई है, ठीक है. आगे देखो क्या कह रहा है. There is, however, however क्या है, positive और negative ideas को जोड़ता है. One place that does not change, वहाँ पे लेकिन एक place है. बहुत सारी places बताया गया है ना कि बहुत सारे places में लंबे समय में little changes आपको देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे भूटान में एक जगह है जो कि अभी तक change नहीं हुए, does not change, and it is always my first stop. और वो मेरी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कभी जाता हूँ तो पहले सबसे रुकना चाहता हूँ. When I land in पैरो, जब मैं पैरो में लैंड किया, द किच्यू लैंगसांग, दिस इज वन ऑफ द भूटान्स ओल्डेस्ट एंड सिंपल एंड सिंपलेस्ट मोनेस्ट्रीज. ये भूटान की सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मोनेस्ट्री है. बिलीव टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 659 CE बाई तिब्बतियन किंग सोंगस्टेन गैम्पो एंड हैज अ लिंक टू द जोकसांग टेम्पल इन लासा. All year round, one is welcomed into Kichu, which is a spectacular and miraculous orange tree. Orange tree है आपका laden with fruits, जिसपे लदे होते हैं. Laden का मतलब fruits उसपे बिल्कुल लदे होते हैं. Fruits की बौछार होती है, वो पेड़ बिल्कुल orange से लदा हुआ होता है. It is here that you know the truth of Bhutan's tourism catchy slogan, happiness is a place. तो भूटानीज का slogan क्या है tourism को लेकर, जैसे हमारा इंडिया का slogan है अतिथि देवो भवा. हम लोग कहते हैं ना अतिथि देवो भवा, this is our slogan for tourism. तो भूटान का tourism को लेकर catchy slogan क्या है, happiness is a place, this is their slogan, right? ये है. अब देखो यहाँ पे चलिए अब questions पे आते हैं. तो ये paragraph देखो भूटान के कुछ culture से related था. Person एक गया, उसने election कैसे observe किया भूटान में, हर जगह election का जोर शोर से माहौल था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. उस person ने observe किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ का, म्यूजियम है आपका, टेक्सटाइल म्यूजियम है जो फेमस है चीज़ों के लिए. तो पर्सन का एक क्लोज ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल आपको भूटान के बारे में दिया था, ठीक. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द 2008 इलेक्शंस ऑफ भूटान. सो जल्दी से बताइए व्हाट्स द करेक्ट आंसर गाइस. यू ऑल हैव रेड द पैराग्राफ अलोंग विद मी, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. वेरी गुड इवनिंग जितने बच्चे सेशन में जुड़ रहे हैं. मोनेस्ट्री आपकी वो प्लेस होती है जहां पे मॉन्क्स रहते हैं. मॉन्क्स जो होते हैं ना, वो जिस जगह पे रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहते हैं. अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री. जो ऋषि मुनि होते हैं, तो जो ऋषि मुनि लोग जिस जगह पे रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहते हैं. डी, ओके, यस. अदर्स डू लेट मी नो व्हाट्स द परफेक्ट आंसर गाइस. देखो सारे करेक्ट हैं. इंडिया हेल्प्ड भूटान इन इलेक्शन बाय सेंडिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये बात तो ट्रू है, स्टार्टिंग में ही पैराग्राफ में अभी मैंने रीड आउट किया, बताया आपको, क्लियर. ये बात भी ट्रू है फर्स्ट वाली. मॉन्क्स एंड नंस वर नॉट अलाउड टू वोट, बिल्कुल ट्रू है. ये भी पैसेज में आपको बोला गया है कि मॉन्क्स और नंस को अलाउ नहीं किया जाता है वोटिंग के अकॉर्ड के टाइम पे. वेरी ट्रू. अगला है, वियरिंग नेशनल ड्रेस ऑन इलेक्शन डे वाज कंपलसरी. बिल्कुल, नेशनल ड्रेस जो है वो हर वोटर को पहनना कंपलसरी होता है. ये भी तो आपको आपने पैराग्राफ में पढ़ा है. तो सारी बातें ट्रू है. तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट. जितने स्टेटमेंट्स यहाँ आनी है सभी बातें आपको पैराग्राफ में मेंशन की गई है गाइस, क्लियर. अभिनीत वेरी गुड इवनिंग, सभी बच्चों को बहुत गुड इवनिंग, ठीक है. तो ये देखो इस तरह से हो गया. देखो ऐसे पैराग्राफ आपके क्लर्क लेवल में आएंगे, ठीक है. आपका IBPS क्लर्क है, SBI क्लर्क है, प्रीलिम्स लेवल में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है. मैं जीरो लेवल से लेकर चल रही हूँ आपको बिल्कुल हाई लेवल. SBI PO का भी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. नेक्स्ट कह रहा है, हु इज आशी संगाई चोंगदेन वांगचुक एज मेंशन्ड इन द पैसेज. तो पैसेज के अकॉर्डिंग बताइए हु इज दिस पर्सन. यस, क्वीन मदर ऑफ भूटान, राइट. शी इज द क्वीन मदर ऑफ भूटान, यही तो था ना. तो आशी संगाय, हु वॉज आशी संगाय, सो एज पर द पैसेज शी वॉज द क्वीन मदर ऑफ भूटान. सो दैट्स द परफेक्ट आंसर, राइट. पैसेज में ऑलरेडी मैंशन किया गया, ठीक. चलिए अगला देखिए. तो ऐसे मेरे को कुछ करना ही नहीं है. इस तरह के पैराग्राफ एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल 10 नंबर आपके पक्के, सॉलिड 10 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं इंग्लिश में. तो आप दो दो क्वेश्चन को लेकर चलोगे और फिर स्क्रीन शॉट जो आपने लिया है उससे कोरिलेट करते चलोगे तो आंसर्स आपको मिलते चलेंगे, क्लियर. आप देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोजो पार्क एज मेंशन्ड इन द पैसेज. मोजो पार्क के बारे में बताया ना मैंने अभी. इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया.
इट इज फेमस फॉर इट्स म्यूजिक शोज, ये अपने म्यूजिक शोज के लिए फेमस है. इट इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ थिम्पू, थिम्पू सिटी में है ना, इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो नहीं है, ये बात तो कहीं नहीं है, थिम्पू सिटी में, भूटान की थिम्पू सिटी में ये आपका मोजो पार्क है बताया गया है पैसेज में, तो ये बात तो पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है. और कौन सी वाली बात ट्रू है जल्दी से बताओ, सेकेंड वाली है ना, ये जो पार्क है ये किस लिए फेमस है, म्यूजिक शोज के लिए फेमस है, जहाँ पे वो बंदा गया था, ठीक है, और वहाँ पे भी उसे इलेक्शन का माहौल देखने को मिला, तो सेकेंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्लियर. चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज गिवन इन द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी वाली बात करेक्ट है. पॉलीएंड्री इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन भूटान, क्या ये बात सही है, नहीं ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है. पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस्ड इन भूटान, पॉलीगैमी जो है वो भूटान में प्रैक्टिस किया जाता है, क्या ये बात सही है, करेक्ट बताना है, ठीक है. पॉलीएंड्री नहीं, पॉलीगैमी प्रैक्टिस किया जाता है ना भूटान में, दैट्स ट्रू. देयर इज नॉट अ सिंगल फीमेल मेंबर इन भूटान्स पार्लियामेंट, नहीं 9 मेंबर है, 47 में से ओनली 9 सीट्स पार्लियामेंट में दी गई, वो बात आपने पढ़ा ना पैराग्राफ में, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू नहीं है. तो फिर आंसर क्या हुआ आपका, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस्ड इन भूटान, क्लियर. चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. व्हाई वाज कैंडिडेट कैंपेनर और वोटर नॉट अलाउड टू वियर एनी साइन ऑफ रैंक और रॉयल पैट्रोनेज इन द 2008 इलेक्शंस ऑफ द कंट्री, क्यों बताइए, वहां पे कोई आपको रॉयल साइन या फिर कोई चीज आप इस तरह की रॉयल्टी वाली चीज नहीं पहन सकते थे, पैट्रोनेज वाली, 2008 इलेक्शन के समय में भूटान कंट्री में. कह रहा है ड्यू टू सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, कुछ लोगों की ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव की वजह से. अगला कह रहा है टू नेग्लेक्ट द मिसयूज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड फेमस पीपल. नेक्स्ट कह रहा है बोथ आर करेक्ट, नेक्स्ट कह रहा है नन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए गाइस. हाँ मिसयूज की बात कर रहा था ना, जिससे लोग उसका गलत फायदा ना उठा सके, पैट्रोनेज वगैरह का गलत फायदा ना उठा सके, ड्यू टू सम काइंड ऑफ सुपरस्टिशन की तो बात बताई नहीं गई है, पैराग्राफ में ही बोला गया है ताकि हम मिसयूज को नेग्लेक्ट कर सके, लोग अपनी बहुत ज्यादा वेल्थ और फेमस मतलब पॉपुलैरिटी को वहां पर ना दिखा सके. वोटिंग के टाइम पे जितने वोटर्स हैं वो हर कोई क्या है, इक्वल है, और हर कोई वोटिंग के टाइम पे इक्वल है, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा वेल्दी पर्सन क्यों ना हो कंट्री के लिए, इसलिए वहां पे किया गया था कि कोई भी ऐसा रैंक का साइन कोई पहनेगा नहीं, वियर नहीं करेगा कोई इस टाइप का ड्रेस, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गाइस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कीचू लंघान्स एज गिवन इन द पैसेज. तो पहला कह रहा है ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, इट इज वन ऑफ द भूटान्स ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री. अगला कह रहा है इट वॉज बिल्ड इन 7th century, 7th century की कहीं बात की नहीं गई है, जल्दी से बताइए व्हाट्स द परफेक्ट आंसर. फास्ट आंसर्स, व्हाट्स द करेक्ट सेंस गाइज, 7th century में था, हाँ ट्रू है ये वाला, 7th century में बना था, ये तो बताया गया आपको. और क्या है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ये भूटान की सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है, भूटान की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री का नाम है कीचू लखांग, ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड आर द करेक्ट सेंस, सो डी इज द परफेक्ट आंसर, क्लियर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है किसी को. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. स्क्रोल, अब देखो स्क्रोल्स वर्ड आपके पैराग्राफ में आया था, बताइए मोस्ट सिमिलर बताना है, आपको सिनोनिम बताना है स्क्रोल्स का, तो स्क्रोल्स का जो सिनोनिम यहाँ पे होगा, देखो वर्ड स्क्रोल्स आया कहाँ पे है, लेट अस मूव विद द पैराग्राफ, मैंने अंडरलाइन भी किया था वर्ड आपका स्क्रोल्स, ये देखो कह रहा है भूटान एंड यूज्ड इन दीज इन देयर रिलीजियस स्क्रोल्स एंड थांखास, ये देखो आपका स्क्रोल्स वर्ड आया, तो रिलीजियस स्क्रोल्स यूज हुआ है, तो रिलीजियस स्क्रोल्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जल्दी से बताइए गाइस. तो स्क्रोल्स का मतलब क्या है, रोलिंग है, एमलेस है, डॉक्यूमेंट, रिलीजियस डॉक्यूमेंट की बात करता है. स्क्रोल्स का मतलब होता है कि आपके लिस्ट, जब हम किसी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो लिस्ट या डॉक्यूमेंट को हम स्क्रोल्स कहते हैं, तो रिलीजियस लिस्ट या रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है ना, कि एम रोलिंग या नन इज करेक्ट, क्लियर. चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है. अगला कह रहा है मोस्ट सिमिलर बताना है आउटस्कर्ट्स का, तो देखो आउटस्कर्ट्स पैराग्राफ में आया था, आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या होता है, वो आपका आउटर एरिए पे जब हम बात करते हैं, तो आउटर एरिए की बात करते हैं, तो उसके लिए हम आउटस्कर्ट्स लगाते हैं. डाउनटाउन का मतलब होता है मेन एरिया, जो हमारा मेन एरिया होता है शहर का, बिल्कुल पॉश एरिया, मेन एरिया जिसको आप बोलते हो, तो आउटस्कर्ट्स का ऑपोजिट है ये तो, लेकिन आपको क्या बताना है, सिमिलर बताना. अवे का मतलब दूर, सेंटर का मतलब बीच में, पेरीफेरी इज द परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस, ठीक है. पेरीफेरी का भी मतलब होता है क्या, इंटीरियर या फिर आउटस्कर्ट्स एरिया की बात करते हैं, तो दैट इज पेरीफेरी, क्लियर.
चलो अगला देखो, मोस्ट ऑपोजिट बताना है लैडन का. लैडन का मतलब क्या मैंने आपको बताया, लैडन का मतलब कोई चीज भरा हुआ, फुल ऑफ. लैडन मीन्स फुल ऑफ, समथिंग इज कंप्लीट, फुल ऑफ, दैट इज कॉल्ड लैडन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कोई चीज भरा हुआ है या फिर लदा हुआ है. आप बोलते हो ना लदा हुआ, पेड़ पे आम लदे हुए हैं, लदा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लैडन. ठीक है, तो लैडन को ऑपोजिट बताना, तो एम्प्टी इज द परफेक्ट सेंस, राइट. फुल इज द सिनोनिम, अगर सिनोनिम पूछा तो फुल होता, चार्ज्ड और इनकम्बर्ड होगा नहीं. क्लियर, चलिए अगला देखिए. नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑपोजिट बताना है मीसोगाइनी. मीसोगाइनी मीन्स हेट ऑफ वुमेन. मीसोगाइनी का मतलब क्या होता है, हेट ऑफ वुमेन ना, हेट ऑफ वुमेन, जो इंसान महिलाओं से हेट करता हो, दैट इज मीसोगाइनी, राइट. तो विमेन हेटर इज द परफेक्ट सेंस, राइट. सेक्सिस्ट इज नॉट द सेंस, फेमिनिस्ट इज अगेन नॉट द सेंस, तो विमेन हेटर इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, मोस्ट ऑपोजिट पूछा है गाइज, विमेन हेटर है. ठीक है, तो फिर बताइए क्या होगा, वॉट शुड बी द परफेक्ट सेंस. ऑपोजिट पूछा है, बताइए. हाँ, नन इज करेक्ट, वेरी नाइस. नन इज करेक्ट इज द करेक्ट सेंस. ठीक है, ऑपोजिट पूछा है मैंने, सिमिलर सॉरी बताया, ये ऑपोजिट क्या होगा, नन इज करेक्ट. ठीक है, सेक्सिस्ट होगा नहीं, फेमिनिस्ट होगा नहीं, विमेन हेटर होगा नहीं. विमेन हेटर अगर सिनोनिम होता तो दैट शुड बी द सेंस, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज नन इज करेक्ट. क्लियर, परफेक्ट आंसर. चलो अगला देखो, अगला कह रहा है, ये अगला पैराग्राफ, देयर इज अगेन वन मोर पैराग्राफ गाइज. नाउ डू रीड इट आउट विद द सेम स्ट्रैटेजी, टेक द स्क्रीनशॉट and do let me know the perfect answers for the questions. ठीक है, starting young मतलब कि नई शुरुआत करना. starting young का मतलब कि बिल्कुल शुरू लेवल से, इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग यंग. ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग यंग में कह रहा है, इन द स्मॉल क्लोजली नेट कॉटरी ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स ही मेट एलिस आर डोंगन, शांतिला शाह, whom I married much later, जिनसे मैं काफ़ी बाद में मैंने मैरिज किया, बी के दिलवाली ऑफ शिमला स्टूडियोज, कार्लो मैक्रोनी एंड होमाई व्रैवाला बार्टलेट डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी पे बात कर रहा है, बट ही वॉज विलिंग टू वर्क हार्ड एंड डू द स्मॉलेस्ट ऑफ जॉब्स. लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग था और छोटी से छोटी जॉब भी वो करने में कैपेबल था. ही ऑब्जर्व्ड, रीड, वॉच्ड एंड एब्जॉर्ब्ड. उसने क्या किया, फोटोग्राफी की स्किल्स को ऑब्जर्व किया, रीड किया, वॉच किया और एब्जॉर्ब किया, मतलब सीखा. माई हस्बैंड वुड से दैट एज अ प्रेस फोटोग्राफर यू क्लिक्ड ऑन द रन एंड कंसीडर्ड योरसेल्फ लकी इफ यू गॉट 4 to 5 क्लियर फोटोग्राफ फ्रॉम अ रोल ऑफ 36 का जो पूरा रोल होता है आपका. ठीक है, उसमें से अगर आप 4-5 भी अच्छी क्लिक कर लेते हो, इट मींस यू आर लकी, इट मींस यू आर गुड इन फोटोग्राफी. आगे कह रहा है, विद बार्टले इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज 36 out of 36. बार्टले इतना माहिर था फोटोग्राफी में कि वो 36 रील जो होती है फोटो, जो आपकी रील होती है फोटोग्राफी वाली, 36 में 36 बिल्कुल परफेक्ट होती थी उसकी. आगे कह रहे हैं, 1945 विद द वॉर ओवर बार्टले रिटर्न टू मद्रास. मद्रास रिटर्न कर दिया एंड क्रैंक्ड हिज फर्स्ट फिल्म, और अपनी पहली फिल्म उसने क्या किया, लॉन्च किया. व्हेन ही कॉट अप विद हिम इन 1956 दिस टॉल वेलकमिंग मैन विद ब्राइट ब्लू आईज वाज हेड ऑफ द फोटोग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ वाहिनी स्टूडियोज ओन्ड बाय बी नागी रेड्डी. मच हैज बीन सेड ऑफ बार्टले बीइंग अ डिफिकल्ट पर्सन टू गेट अलोंग विद. देखो ये आपका, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज द क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, बैड टेम्पर, दैट इज वाई आई हैव अंडरलाइंड दिस पॉइंट. तो जब आप एग्जाम में करोगे तो इस तरह से करते चलोगे. ठीक है, रीड करोगे तो मैं ये देखो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि किस तरह से एग्जाम में करना है. ठीक है, तो इस तरह से रीड करते चलोगे और देखो मेन पॉइंट्स को दिमाग में बिठाओगे उसको. ठीक है, अंडरलाइन करोगे, नहीं तो मेन पॉइंट लिख लोगे. अच्छा, बैड टेम्पर की बात कर रहा है अलॉन्ग विद, बिकॉज क्यों ऐसा था, बिकॉज ऑफ हिज बैड टेम्पर, क्योंकि उसका टेम्पर बहुत बैड था. ठीक है, आगे कह रहा है, द ट्रूथ इज दैट ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट. बार्टले जो था वो परफेक्शनिस्ट था फोटोग्राफी में एंड कुड नॉट डील विद एन अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, और कभी भी वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से कभी भी डील किसी के साथ नहीं करता था. ही डिड नॉट बिलीव इन हायरार्कीज एंड ट्रीटेड एवरीवन द सेम, और हर किसी को सेम लेवल पर ट्रीट करता था, चाहे वो आपका कितना ही बड़ा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हर इंसान को एक नॉर्मल लेवल पर वो ट्रीट करता था. आगे कह रहा है, इट इज पॉसिबल ही डिड नॉट इवन नो द नेम्स ऑफ द स्टार्स इन हिज फिल्म्स. इवन वो पॉसिबल था कि वो कई बार अपने फिल्म स्टार्स का नाम भी नहीं जानता था. ऑल दैट मैटर
टू हिम वॉज दैट दे वर पंक्चुअल. उसके लिए क्या मैटर करता था कि उसके काम फिल्म में जितने मेंबर्स काम कर रहे हैं वो क्या हो, पंक्चुअल हो, कोई कभी पंक्चुअलिटी को फॉलो हमेशा लोग करें. ठीक है, तो ये देखो पंक्चुअल की बात कर रहे थे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है किसकी, बार्टले की, कि बार्टले चाहता था कि उसके जो फिल्म स्टार्स हैं जो उसकी फिल्म में काम कर रहे हैं वो पंक्चुअलिटी को फॉलो करें. क्लियर, तो इस पर भी देखो क्वेश्चन होगा आपके आगे फॉलोइंग में. आगे देखो क्या कह रहा है, द लेंसमैन क्या कह रहा है, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी. ठीक है, बार्टले किसकी बात कर रहा है, बार्टले की बात कर रहा है. बार्टले को हिंदी नहीं आती थी, स्पोक फ्रस्ट्रेटेड तमिल एंड तेलुगू. तमिल और तेलुगू फ्रस्ट्रेटेड लेवल में वो बोलता था, बट ही मेड इट अ पॉइंट टू सिट विद द स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर अंडरस्टैंडिंग द स्क्रीन प्ले सो ही कुड वर्क ऑन हिज लाइटिंग स्टाइल. इसलिए वो अपनी लाइटिंग स्टाइल पे काम करता था. हिज स्पेशलिटी वॉज स्पेशल इफेक्ट्स उसकी फिल्म में जो होते थे वो उसकी स्पेशलिटी थे, पर्टिकुलरली फॉर माइथोलॉजिकल फिल्म्स की अगर हम बात करें तो. बार्टले हैड हैंड पिक्ड अ टीम ऑफ लाइट बॉयज एंड असिस्टेंट्स हु कैरीड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्किंग इन एफिशिएंट साइलेंस. ही रेयरली अलाउड एनीवन टू हैंडल हिज लेंसेज, और वो कभी भी बहुत ही रेयरली अलाउ करता था किसी को कि उसके लेंसेज को कोई हैंडल करे, टैकल करे. आई हैव सीन हिम होल्डिंग ऑन टू देम एज दो दे वर द होली ग्रेल. ठीक है, होली ग्रेल का मतलब काफी पवित्र लेंसेज थे जो कि वो अपने स्टूडियो वगैरह में यूज किया करता था. आगे कह रहा है ही वॉज फोकस्ड एंड वुड ही वॉज फो ग्रेल इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. आगे आपका क्वेश्चन है ग्रेल से, आगे क्या कह रहा है देखो, ही वॉज फोकस्ड एंड वुड वर्क फॉर नाइट्स बिफोर द एक्चुअल शूटिंग लाइट द सेट टू मेक इट परफेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका जो बार्टले था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था. ठीक है, ही वॉज रियली वेरी इंडिवर्स एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. राइट, आगे कह रहे हैं ही वर्कड विद ग्लैमरस फिल्म स्टार्स बट रेयरली सोशलाइज विद दैम. ठीक है, ग्लैमरस फिल्म स्टार्स के साथ काम करता था लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता था, मतलब वो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन था. बार्टले कैसा पर्सन था, इंट्रोवर्ट था. ठीक है, आगे कह रहे हैं ही वॉज टीज्ड फॉर बींग वन ऑफ द रेयर एंग्लो इंडियंस हु नेवर डांस्ड. उसको टीज करते थे लोग, क्यों टीज करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा एंग्लो इंडियन था जिसने कभी डांस किया ही नहीं था. अगला देखो क्या कह रहा है, चेमन एंड बियॉन्ड में क्या कह रहा है, ही वॉज एक्साइटेड. कौन, बार्टले की बात कर रहा है. तो ओवरऑल यहाँ पे बार्टले ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. ही वॉज एक्साइटेड वेन रामू करियात साइंड हिम ऑन फॉर चेमन. मलयालम की बात कर रहा है, देयर वर एंडलेस प्रॉब्लम्स विद दिस फिल्म. तो ये चेमन जो है वो उसकी मलयाली फिल्म की बात कर रहा है, दिस इज द नेम ऑफ ए मलयालम फिल्म. ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, देयर वर एंडलेस प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस फिल्म को लेकर. आफ्टर द फेम्ड ऋषिकेश मुखर्जी स्टेप्ड इन टू री एडिट द कन्फ्यूज्ड फुटेज. जब उन्होंने कन्फ्यूज्ड फुटेज को दोबारा से स्टेप आउट किया, री एडिट करना स्टार्ट किया. द फिल्म वॉज रिलीज हुई थी कब, 1965 में, टू अन एनोनिमस एक्लेम बाय क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस. एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म वॉज हाईली प्रेज्ड. हर एस्पेक्ट फिल्म का लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया था, जो ऑडियंस थी बहुत प्रेज किया था उन्होंने. इन पर्टिकुलर द फोटोग्राफी बाय बार्टली, बार्टली की जो उसमें आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफी लोगों को पसंद आई थी. आगे कह रहा है, यस एग्जैक्टली, आगे कह रहे हैं, बट देयर वर ऑल ऑल्सो रूमर्स दैट बार्टले हैड वॉकड आउट मिड वे ओवर मनी मैटर्स. ठीक है, उसके लिए वो क्या, उसने क्या किया, हैड वॉकड आउट मिड वे, बीच रास्ते में वो छोड़कर चले गया ओवर मनी मैटर्स. और उसके लिए सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता था, दैट इज़ मनी फॉर हिम. नो वन हु नो हिम वुड बिलीव ही वुड जियोपार्डाइज का मतलब डेंजर में, खतरे में डाल देगा अ प्रोडक्शन ओवर मनी. ठीक है, कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री को खतरे में डाल देगा और मनी के उस पे. ठीक है, आप बोलते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ मनी ही जस्ट टुक द प्रोडक्शन इंडस्ट्री इनटू डेंजर. आगे कह रहा है, क्रिएटिव डिफरेंसेस और अनप्रोफेशनलिज्म परहैप्स बट मनी वॉज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन. ठीक है, मनी वॉज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उसके प्रोफेशन को के लिए. आगे कह रहा है, सैडली सम पोर्शन ऑफ द फिल्म हैड टू बी कंप्लीटेड बाय अनदर कैमरामैन. कुछ पोर्शन जो था फिल्म का, क्योंकि वो छोड़कर चला गया था तो उस दूसरे कैमरामैन को कंप्लीट करना पड़ा. That was enough to cause Bartley the National Award that year. ठीक है, और जिसकी वजह से फिर भी उसको ईयर का क्या मिला, नेशनल अवार्ड मिला बार्टले को. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग फिल्मेटोग्राफी यू कैन से. आगे कह रहा है, पोर्शन ऑफ द फिल्म हैड टू बी कंप्लीटेड बाय अनदर कैमरामैन एज दैट वॉज इनफ टू कॉज बार्टले द नेशनल अवार्ड दैट ईयर. ठीक है,
दैट वॉज इनफ टू कॉस्ट, कि उसको काफ़ी महंगा पड़ा ये चीज़, ये कह रहा है, ठीक है, दैट वॉज उसको ये चीज़ महंगी पड़ गई क्योंकि वो बीच रास्ते में छोड़ के चला गया था. दैट वॉज शोइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ बार्टले. मैनी ईयर लेटर सीनियर कैमरा मैन यू रागोपाल टोल्ड मी दैट ही वॉज ओनली कॉल्ड मी इन टू कम्प्लीट पैच वर्क. बार्टले फाइनली रिसीव द अवार्ड. बार्टले का अवार्ड कब मिला? 1969 से लेकर 1970 के बीच में, फॉर शांति निलायम. शांति निलायम मलयालम फिल्म के लिए बार्टले को अवार्ड बाद में मिला. ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है. लेटर ईयर्स, आगे के सालों की बात कर रहा है बार्टले के एक्सपीरियंस की. बार्टले वॉज नॉट इन गुड हेल्थ. ही हैड लॉन्ग सफर्ड विद डायबिटीज, रिफ्यूज टू गो टू अ डॉक्टर, ट्रीटिंग हिमसेल्फ इंस्टेड. बाई 1988 ही सीम टू लूज हिज ड्राइविंग इंटरेस्ट. उसका ड्राइविंग में इंटरेस्ट खत्म होने लगा. ही वॉज रेस्टलेस एंड लोनली, बिल्कुल अकेला और रेस्टलेस फील करने लगा. ही डिसाइडेड टू गिव अप सिनेमेटोग्राफी. ठीक है, उसने डिसाइड किया कि मैं अपना सिनेमेटोग्राफी का जो करियर है उसको क्या कर दूंगा, गिव अप कर दूंगा, उससे मैं रिजाइन कर लूंगा. बट हैड मोर वर्क देन ही कुड कोप विथ. ठीक है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा काम था कि वो उससे कोप विथ कर पाता और उससे बाहर निकल पाता, रिपेयरिंग लेंसेज. आगे कह रहा है, एरीफ्लेक्स मेड हिम देयर ऑथर्ड सर्विस पर्सन एंड बार्टले वुड सिट फॉर आवर्स. बहुत घंटों के लिए उसके साथ बैठता था. डूइंग प्रिसीजन वर्क एलोन इन साइलेंस, अकेले में बैठ के काम करता था. ही हैड नेवर हैड अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. कभी भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं रहे. एज ए स्कॉलरशिप एंड आइकोनोक्लास्टिक ब्रिलियंस. देखो, आइकोनोक्लास्टिक का मतलब कि जो पुरानी जो आपकी प्रथाएं होती है उनको तोड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड इमेज ब्रेकर. ठीक है, तो पहले समय से जो आपके समाज में इमेज बनी हुई है उस इमेज को ब्रेक करने वाला, दैट इज कॉल्ड इमेज ब्रेकर, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट. क्लियर? तो आगे कह रहा है, आइकोनोक्लास्टिक ब्रिलियंस डिड नॉट अलाउ कैजुअल चैट्स. हिज सन एलान एडमिटेड हिम टू अ हॉस्पिटल बट नागी रेड्डी शिफ्टेड बार्टले. ठीक है, लेकिन नागी रेड्डी ने बार्टले को शिफ्ट किया विजय हॉस्पिटल, वेयर ही वॉज गिवन पर्सनल अटेंशन. उसको बहुत पर्सनल अटेंशन दिया जाने लगा. फ्रॉम द स्टूडियोज टू द विजय हॉस्पिटल इट वॉज एज दो द व्हील हैड कम फुल सर्किल. ठीक है, कि पूरा बिल्कुल इफेक्ट में हर कोई लग गया था उस पर ध्यान देने के लिए. अ फ्यू डेज लेटर एज आई वॉज अबाउट टू drive to the hospital, I received his son's call that Bartley had passed away. जैसे मैं ऑफिस जा रहा था, ये बात किसके लिए बोली जा रही है? ये बात नागी रेड्डी, जो बार्टले का फ्रेंड था, उसके लिए कही जा रही है. ठीक है, वो उसको खबर मिली कि बार्टले हिज फ्रेंड हैज पास्ड अवे. द रोड्स टू हिज होम वर जैम्ड फॉर आवर्स. उसके घर की तरफ रोड जाने वाली बहुत सारी जैम था. आगे क्या कह रहा है, कार्स वर अबेंडेंड एंड वी वॉकड. तो हमें वॉक करके जाना पड़ा. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ वीपिंग पीपल, फ्रेंड्स चोक्ड विद ग्रीफ, माउंड्स ऑफ गार्डलैंड्स. हिज पीयर मेंबर्स ऑफ एवरी एसोसिएशन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री वर प्रेजेंट. देयर आर नॉट मैनी हु रिमेंबर हिम टूडे बट हिज अचीवमेंट्स एज पायनियर, विजनरी, जेनियस एंड गुरु लिव ऑन. ठीक है, हमेशा के लिए चलती रहेगी. राजीव मेमन एंड मधु अम्बाद कॉल मी ऑन ओकेजन एंड वी स्पीक ऑफ मार्कस बार्टले. He will never be forgotten. उसको कभी हम भूल नहीं पाएंगे. ठीक, अब देखो ये बात बार्टले के लिए ही थी. तो ओवरऑल पैराग्राफ में जो फेमस सिनेमेटोग्राफर थे बार्टले, ठीक है, तो उनके बारे में आपको एक्सपीरियंस शेयर किया गया. अब बताइए क्या कह रहा है. कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग विद मार्कस बार्टले बिकॉज ऑफ हिज, बताइए, बैड टेम्पर ना, यही, इसीलिए देखो मैंने अंडरलाइन किया था. तो एग्जाम में इसी यही स्ट्रैटेजी आप लोग लेकर चलोगे गाइज. जब एग्जाम में देखो क्वेश्चंस पहले देखो या फिर पहले पैराग्राफ देखो, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है अगर किसी पर्सन को रिलेटेड है, तो देखो पर्सन से रिलेटेड है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पैराग्राफ में है उसको अंडरलाइन करते चलो, दिमाग में बैठाते चलो, या एक एक वर्ड नोट करते चलिए. ठीक, तो ईजी होगा आपके लिए आंसर्स को जज करना. क्लियर, बैड टेम्पर था. अगला देखो क्या कह रहा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिल्म चेमन. फिल्म चेमन जो मलयालीज फिल्म थी उसके लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट है. बार्टले वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन रामू करियाथ साइंड हिम फॉर चेमन. अगला कह रहा है, चेमन वॉज अ तमिल फिल्म, इट वॉज रिलीज इन 1965. बताइए विच इज द करेक्ट वन गाइज. फर्स्ट वाला देखो करेक्ट है ना. बार्टले जो था बहुत एक्साइटेड था इस फिल्म को साइन करने के लिए, चेमन जो कि मलयालम फिल्म थी. और ये जो चेमन थी ये आपकी मलयालम फिल्म थी ना कि तमिल फिल्म थी. और 1965 में ये फिल्म आपकी रिलीज हुई थी. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द परफेक्ट आंसर्स, राइट. द डी इज द परफेक्ट सेंस. क्लियर, समझ आ रहा है. अगला देखिए क्या कह रहा है. Where did Marcus Bartley get his first job? पहली जॉब कहाँ मिली थी? Bollywood acting newspaper या writer? Newspaper में उसको पहली जॉब मिली थी ना. He got his first job in newspaper. अगला देखो क्या कह रहा है.
For which film Marcus Bartley got his first national award 1969 to 1970? बताइए, शांति निलायम के लिए उसको मिला था अवार्ड ना, चेमन के लिए तो नहीं मिला था. Clear? B is the perfect answer. ठीक, अगला देखो. Which of the following statements is incorrect about Marcus Bartley को लेकर, कौन सा वाला incorrect है? He was fluent in Tamil and Telugu. बताइए क्या ऐसा है? Yes guys, यही तो है. He was not that fluent. वो fluent नहीं था ना, तमिल और तेलुगु बोलने में fluent नहीं था, लेकिन कह रहा है वो fluent था, तो यही बात तो है. ये statement क्या incorrect है? He got his first film in Madras. नहीं, he was an Anglo-Indian. ये तो true है, और cinematographer था, true है. फर्स्ट फिल्म उसको मद्रास में मिली थी, ये भी ट्रू है, लेकिन यही वाली बात है फॉल्स कि उसको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से तमिल और तेलुगु बोलना नहीं आता था, फ्रस्ट्रेटेड मैनर में बोलता था. पैराग्राफ में फ्रस्ट्रेटेड दिया हुआ है ना, फ्रस्ट्रेटेड तमिल एंड तेलुगु स्पीकिंग दिया था. क्लियर? अगला, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड. ग्रेल, देखो मैंने इसीलिए सर्किल किया था ग्रेल वर्ड, तो ग्रेल वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है? सैक्रेड. ग्रेल का मतलब है यहाँ पे सैक्रेड वेसल से, कि वो सैक्रेड वेसल का यूज किया करता था. कौन? बार्टले. ठीक है, तो दैट्स द सेंस. सी इज द परफेक्ट आंसर. ठीक, अगला देखो. अनएनिमस, अनएनिमस वर्ड आपका यूज किया है पैराग्राफ में, उसका मतलब बताइए. अनएनिमस का मतलब होता है नॉट डिवाइडेड, मोस्ट सिमिलर, मतलब यूनिवर्सल. कोई चीज़ यूनिवर्सल लेवल पे ऑल ओवर एक्सेप्टेड है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो उजली, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल. तो दैट्स अ परफेक्ट आंसर. ठीक, अगला देखो. रूकी, रूकी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? रूकी मीन्स धोखेबाज, जिसको आप हिंदी में बोलते हो धोखेबाज. कोई धोखेबाज इंसान है. समवन इज चीट, ब्लाइंड फोल्ड जिसको आप बोलते हो, ब्लाइंड फोल्ड, चीट, ड्यूप, स्विंडल, ये सब इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं. ठीक है, डिसीव करना, किसी को डिसीव करना, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए. तो इसका आपके ऑपोजिट पूछा है, बताइए क्या होगा? कॉल्ट का मतलब तो घोड़े का बच्चा होता है, ट्रेनी होगा नहीं. अप्रेंटिस एंड ट्रेनी बोथ आर सिनोनिम्स, तो फिर बताइए क्या होगा? व्हाट्स द परफेक्ट सेंस गाइस? यस, व्हाट्स द परफेक्ट सेंस? जल्दी से बताइए. एक्सपर्ट, बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है, एक्सपर्ट है. एग्जैक्टली, एक्सपर्ट इज द परफेक्ट सेंस. अगला देखो क्या कह रहा है. जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? खतरे में डाल देना, डेंजर, पेरिल, हैजर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए ना. डेंजर, पेरिल, हैजर्ड, स्टेक, रिस्क, ऑल दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ जियोपार्डाइज. तो जियोपार्डाइज का ऑपोजिट पूछा है, मोस्ट ऑपोजिट, तो बताइए प्रोटेक्ट होगा ना, किसी को प्रोटेक्ट करना, खतरे में डाल देना, उसको ऑपोजिट प्रोटेक्ट करना. इम्पेरिल, रिस्क, स्टेक, ये तीनों आपके क्या हैं? ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जियोपार्डाइज. ठीक, एंड प्रोटेक्ट इज ओनली द एंटोनिम ऑफ जियोपार्डाइज. क्लियर? चलो अगला, अगला है आइकोनोक्लास्टिक. आइकोनोक्लास्टिक का मैंने अभी आपको मतलब बताया, इमेज ब्रेकर. ठीक है, जो आपकी पुरानी इमेज चली आ रही है सोसाइटी में, उस इमेज को ब्रेक करने वाला, इमेज ब्रेकर. तो ये एग्नोस्टिक तो होगा नहीं. एग्नोस्टिक और एथीस्ट बोथ आर सिनोनिम्स. भगवान में विश्वास ना रखना, तो ये तो है नहीं. अनबिलीविंग, जो बिलीव ना करता हो, नहीं तो बिलीव ना करता हो, ये ऑल, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम हो गया. इंडिविजुअलिस्टिक इज द परफेक्ट सेंस. ठीक है, इंडिविजुअल रहने वाला, बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, चीज़ों में विश्वास ना रखने वाला, इमेज ब्रेकर जो है, दैट इज द सेंस. क्लियर? तो इसका सिमिलर सेंस क्या होगा? इंडिविजुअलिस्टिक. आइकोनोक्लास्टिक का सिनोनिम होता है इंडिविजुअलिस्टिक. क्लियर? अगला, तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया तो सभी लोग लाइक शेयर करिए. कल फिर मैं आप लोगों के लिए अगला सेशन लेकर आऊंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, फिर प्रैक्टिस करेंगे, बस लेवल इससे थोड़ा सा हाई होगा. आज मैंने आप लोगों को जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तो इलेक्शन पे बेस्ड था आपका, और एक जो था वो एक दूसरे पर्सन से की लाइफ से रिलेटेड था. ठीक है, पर्सन की लाइफ से रिलेटेड था, एंड द पर्सन्स प्रोफेशन वॉज सिनेमेटोग्राफर. ठीक है, ही वॉज अ रेनाउंड सिनेमेटोग्राफर. तो इस तरह के बिल्कुल पैराग्राफ आपके आते हैं, आरसीज आते हैं, कहां पे? क्लर्क लेवल में. तो क्लर्क में आपके प्रीलिम्स में आते हैं, इससे और हाई लेवल के मैं कल कराऊंगी, फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा. क्लियर गाइस? तो ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सेशन चल रहा है, सभी लोग सेशन में जुड़िए, बेसिक टू एडवांस्ड.
ठीक है, तो दिन पे दिन ये आपका लेवल हाई होता जाएगा। बेसिक से स्टार्ट किया, एडवांस लेवल तक हम लोग कवर करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन उसके बाद आपका पैरा जंबल्स, फिर क्लोज टेस्ट, फिर इस तरह से करके हम लोग हर टॉपिक को एडवांस्ड, बेसिक टू एडवांस लेवल पे देखेंगे। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आज आपका सेशन एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।